प्रदेश के संस्कृति पर्यटन धार्मिक न्यास और धर्मस्व राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी सोमवार को बटियागढ़ ब्लॉक के साधपुर पहुंचे। यहां चल रहे पंचकल्याणक महामहोत्सव में शामिल हुए। राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह ने जैन मुनि संत विरंजन सागर महाराज से आशीर्वाद लिया और महोत्सव का जायजा भी लिया। आयोजक मंडल द्वारा राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी का स्वागत किया गया। इस मौके पर राज्य मंत्री ने कहा कि तीर्थंकरों ने जो सिद्धांत दिया वो विश्व शांति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। विश्व के कई देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता और धर्मों के बीच टकराव की स्थिति है। ऐसे में अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत विश्व को शांति देने वाला है। जियो और जीने दो की परिकल्पना से ही विश्व में शांति स्थापित की जा सकती है। उन्होंने कहा कि यह हमारी संस्कृति की विशेषता ही है कि हम सारे संसार को अपना कुटुंब मानते हैं। राज्य मंत्री ने आयोजक कमेटी को धन्यवाद देते हुए कहा कि आप लोग बधाई के पात्र हैं जो साधपुर जैसी छोटी जगह में पंच कल्याणक महोत्सव का वृहद कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। के तीर्थंकरों ने जो सिद्धांत दिया वो वास्तव में विश्व शांति के लिए सबसे मुझे लगता है महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसमें अहिंसा परमो धर्म की बात की गई। वास्तव में आज सारे विश्व में उथल पुथल मची हुई है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के खून का प्यासा है। एक धर्म दूसरे धर्म के ऊपर प्रभाव जमाने का, प्रभुत्व जमाने का काम कर रहा है। ऐसे समय में जो अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत है वो वास्तव में विश्व को शांति देने वाला सिद्धांत है। जियो और जीने दो की जो परिकल्पना है वो वास्तव में एक ऐसी परिकल्पना है जिसमें वास्तव में पूरे विश्व में शांति स्थापित की जा सकती है। और हमारी संस्कृति का जो मूल सिद्धांत है जिसमें हम कहते हैं कि अयम निज परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम को वसुधैव कुटुंबकम,